बोकारो जिले का सरकार बर्न यूनिट खंडहर में तब्दील होने के कगार पर है। लाखों की लागत से बना अस्पताल चिकित्सकों की कमी की वजह से चालू नहीं हो पा रहा। देखिए क्या है पूरा मामला, आखिर खंडहर क्यों बन रहा है बर्न यूनिट। कंफ्यूज मत होइए, ये कोई भूताघर नहीं, ये बोकारो सदर अस्पताल का बर्न यूनिट है। बस रखरखाव के अभाव में ये ऐसा खंडहर बन गया है। सरकारी राशि के दुरुपयोग की इससे बेहतर तस्वीर और क्या होगी। अस्पताल तैयार है, उपकरण भी मंगवा लिए गए, पर आज तक ये बर्न यूनिट चालू नहीं हुआ। मजबूरी में यहाँ के लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। अगर ये चालू हो जाता तो लोगों को कितनी राहत मिलती। क्या कि गरीब लोगों के पास में पैसे की कमी होने के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। तो इस वजह से अगर बर्न यूनिट बोकारो जिले में अगर चालू हो जाए तो काफ़ी गांव के लोगों को लाभ मिलने वाला है। यहाँ BGH में एक बर्न यूनिट है या और प्राइवेट में, तो सबके पहुँच से बाहर का चीज़ है, उतना पॉकेट अलाउ नहीं करता है लोगों का। और अभी भी जो सदर हॉस्पिटल में जो भी सेवाएं हैं उसका लाभ गरीब को ही मिल रहा है। ये भी चालू होगा तो गरीब बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। सबसे अजीब बात यह है कि अस्पताल के उपकरण आए पर वो अब कहाँ है किसी को पता नहीं। सिविल सर्जन कहते हैं कि हमने तो सरकार को लिखा है पर सरकार जवाब ही नहीं दे रही। चूँकि वहाँ पर अभी तक कोई भी पद सृजित सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, तो एक भी पद सृजित नहीं है और उसके विशेषज्ञ भी नहीं है, इसीलिए वो बर्न यूनिट को अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। और इसके लिए हम लोग सरकार को लिखे भी हैं पर अभी भी उस पर कोई पहल नहीं हुई है। अब नतीजा ये है कि ये बर्न यूनिट इलाज के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बीमारी देने का काम कर रहा है। ये बर्न यूनिट लोगों को डर की बीमारी दे रहा है, भूतहा घर दिया करते हैं जैसे। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।